मूवी की स्टार्टिंग बाथरूम सीन से होती है, जहां पर एक मैरिड कपल डेवी और पीट को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। वहां पर हम देखते हैं कि सडनली गुस्से में डेवी बाथरूम से बाहर आकर के पीट पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसने कोई ट्रिक लिया है अपनी सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए वो आज इतना एनर्जेटिक है, जो कि डेवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि अब वो पीट को अट्रैक्टिव नहीं लगती है, इसीलिए उसे ये सब करने के लिए ये ड्रग्स लेनी पड़ती है। तो पीट उसे समझाता है उम्र के साथ साथ ये होना नेचुरल होता है, लेकिन डेवी का मानना है कि ये सब उसके फास्ट फूड और स्वीट की वजह से हो रहा है। वो उसे ये सब खाना बंद कर एक्सरसाइज और वर्कआउट पर फोकस करने का बोलती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है पीट अपनी दोनों बेटियों को जगाता है। आज डेवी का बर्थडे है, सब साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और डेवी 40 इयर्स की हो चुकी है, लेकिन वो आज भी अपने केक पर 38 इयर्स की कैंडल्स लगाती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी बूढ़ी होना नहीं चाहती, इसीलिए वो अपनी उम्र भी कम ही बताती है। उसे बुढ़ापे से नफरत है। पीट भी 40 इयर्स होने वाला है और इसी वीक उसका भी बर्थडे आने को है। उनकी दो बेटी है, सैडी जो कि एक टीनेजर है, चार्लेट जो कि 8 साल की है। दोनों बहनों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता है। उम्र की वजह से पीट और डेवी के बीच में भी छोटी छोटी बात पर नोकझोंक होती रहती है। इवन दोनों की चॉइसेस भी काफी डिफरेंट है। डेवी अपनी एज को लेकर के बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी, इसीलिए वो वर्कआउट और अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, क्योंकि उसे लगता है उसे देख करके शायद पीट वापस से पहले जैसा एक्साइटेड होने लगे। वर्कआउट करते समय उसके पार्टनर उसे समझाती है कि सेक्स की जरूरत क्या है, सेक्स की वजह से ही लोगों में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। तुम सेक्स करना बंद कर दो, सारे झगड़े खत्म, मुझे ही देख लो, जब से सेक्स करना बंद किया है आई एम हैप्पी। तो उसका ट्रेनर बोलता है, तभी तुम्हारे फेस से पता चलता है तुम्हारा चेहरा भी सूज गया है। ट्रेनर उसे पूछता है, मिस नहीं करती हो वो सब? तो वो लेडी बोलती है, क्या पता शायद उस हिस्से की सारी फीलिंग्स ही मर चुकी हो, अगर मुझे वहाँ सांप भी काट ले तो भी पता नहीं चलेगा। वही पीट भी इसी टॉपिक पर अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो चाहता है कि उसकी बेबी मर जाए और वो विडो हो जाए, पर शांति से पहले वो कोमा में जाए और फिर वो कभी वापस से होश में ना आए, क्योंकि विडो और डिवोर्सी पर लड़कियाँ ज्यादा मरती है, ऐसा उसका मानना है। नेक्स्ट डे भी अपनी बुटीक पर जाती है, जहाँ उसकी जोडी और डेसी दो कोवर्कर हैं। डेसी लोगों को अपनी अदाओं से कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। डेवी देखती है उसकी सेल से $12,000 मिसिंग है, पर जोडी डेसी पर ब्लेम करती है, पर डेवी नहीं मानती, क्योंकि लास्ट मंथ उसने 9,000 की सेल प्रॉफिट करके दी थी। पीट भी उसके साथ में बुटीक पर आया है और वो नोटिस करता है कि डेजी ने पेंटिंग नहीं पहनी है। ये बात डेवी को जाकर के बताता है तो वो उस पर गुस्सा करती है। वही पीट का अपना म्यूजिक रिकॉर्ड स्टोर है और वहाँ पर वो पुराने एल्बम सेल करता है, पर इन दिनों पीट का बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। बिजनेस को वापस पटरी पर लाने के लिए वो ग्राहम पार्कर एंड तरमर को भी बुलाता है, जो कि काफी ओल्ड है, लेकिन आज की जनरेशन इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, जिसकी वजह से उसका ये प्लान भी कोई वर्क नहीं करता। इवन वो डेवी को भी पसंद नहीं आता। वो उसे समझाती है ये शौक नहीं, ये बिजनेस है। इस बात पर वो दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होता है। इवन उनकी दोनों बेटियों को भी लेडी गागा का म्यूजिक ही पसंद है। बिजनेस में लॉस की वजह से पीट टैक्स भी ऑन टाइम पे नहीं कर पाता और इसके चलते उसको घर सेल करना पड़ता है, पर वो ये सब डेवी को नहीं बताता। डेवी का मानना है कि वो 40 के हो चुके हैं, अब उन्हें लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना चाहिए, और इस सब के लिए डेवी एक लिस्ट तैयार करती है, लाइक रोज वो एक्सरसाइज करेंगे, डेवी को सिगरेट छोड़नी होगी, पीट को फास्ट फूड और मिठाई भी छोड़नी होगी। रात को जब डेवी अपनी शॉप का सीसीटीवी चेक करती है तो देखती है डेसी जो कि उसी की शॉप में किसी कस्टमर के साथ में इंटीमेट हो रही होती है, जिसे देख करके डेवी को अच्छा लगता है, उसे काफी इंजॉय करती है, लेकिन पीटर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नेक्स्ट डे वो दोनों अपनी अपनी कमियों पर वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। डेसी अपने सभी सीक्रेट्स को तोड़ करके फेंकती है, पीट भी सभी स्वीट्स फेंकने जाता है, लेकिन वो लास्ट कपकेक को खा ही लेता है। एक दिन डेवी को सिगरेट की तलब लगती है और वो पीट को ब्लोजब दे रही होती है, तभी उनकी बेटियां उनके डोर को नॉक कर करके उनको परेशान कर देती है और वो दोनों ही उन पर गुस्सा करने लगते हैं। नेक्स्ट डे पीट अपने फादर से मिलने जाता है। हम देखते हैं कि पीट के फादर को तीनों बच्चे हैं और वो अपने फादर को साफ मना करता है कि वो उनको अब पैसे और नहीं दे सकता। उसके फादर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। वही डेवी भी अपने फादर से मिलने जाती है, जिसने सालों पहले डेवी की मॉम को छोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली, और आज वो दोनों 7 सालों बाद मिली है। डेवी अपने फादर को बोलती है हमको मिलते रहना चाहिए, पर उसके फादर बिना कुछ बोले वॉशरूम चले जाते हैं।
रेम अपनी फैमिली के साथ में लंच के दौरान बोलती है कि उनको अपने घर के खर्चे कम करने हैं, जिसमें घर का वाईफाई निकाला जाएगा और कंप्यूटर भी सिर्फ 30 मिनट चलेगा। पर सैडी इस पर गुस्सा करती है तो पीट उसे समझाता है, तुम सारा दिन कंप्यूटर पर लगी रहती हो, तुमको घर से बाहर निकलना चाहिए, तुमको चार्लेट या फिर अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। सैडी वहां से गुस्से में उठ करके चली जाती है। अब पीट और डेबी दोनों इरिटेटेड हो चुके थे और इसकी वजह से वो वीकेंड के लिए रिसोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेस भरी लाइफ से एक ब्रेक लेना चाहते थे। दोनों बहुत खुश थे, दोनों काफी इंजॉय भी करते हैं। पीट अपने साथ में कुछ कुकीज लेकर के आया था जिसमें भांग मिली थी। डेबी बहुत खुश हो जाती है, दोनों मिलकर के उन कुकीज को खाते हैं और उन कुकीज ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उस दौरान दोनों बहुत खुश थे, दोनों एक गुड टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे वापस अपनी उसी लाइफ में लौट जाते हैं। और जब वो अपने शॉप पर जाती है तो क्योंकि डेबी को भी उस पर डाउट होता है और उसके कपड़े जो उसने पहने हैं वो उसी की शॉप के हैं। अब डेबी डेसी से उसकी कार और कपड़ों के बारे में पूछताछ करती है तो डेसी बताती है नई कार वो अफोर्ड नहीं कर सकती तो पुरानी ही सही, और कपड़े उसने खुद से बनाए हैं, ये उसने खुद के डिजाइन किए हैं घर पर। अब डेबी उसे वो कपड़े चेंज करने का बोलती है, वो उनकी तारीफ करते हुए। और जब डेसी कपड़े चेंज करती है तो वो उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करती है जो कि काफी यंग है, और इस जगह उसे उसकी ब्रेस्ट भी आर्टिफिशियल लगती है। वो उन्हें टच करके भी देखती है और उसकी कंपैरिजन अपने मैट्रेस से करते हुए बोलती है मेरी बच्चियों ने तो मेरा जूस ही निकाल दिया है, बिना बाय बोले ही चले गए। जिस पर डेसी बोलती है जब मैं 40 की होंगी तो मेरे दोनों चले नान की तरह हो जाएंगे। वहीं पीट अपने घर की सील को लेकर के परेशान है। उसी दिन सैडी की दोस्त विंडी उसके घर आई हुई है, साथ ही पीट के फादर भी। सैडी अपनी मॉम से सिस्टम यूज करने का पूछती है पर डेबी साफ मना कर देती है। इस पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होता है, सैडी वहाँ से गुस्से में कुछ भी बोल करके चली जाती है। पीट के फादर बोलते हैं बिल्कुल अपनी मम्मी पर गई है। रात को डेबी पीट मिलकर के अपनी बेटी का फेसबुक पेज चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसका क्लासमेट जोसेफ उसकी फोटोज पर नेगेटिव कमेंट करता है। उसी समय पीट को उसके स्टोर से कॉल आता है कि उसका एल्बम और कम सेल हुआ है, अब उसका बिजनेस पहले से भी और ज्यादा लॉस में चला गया है। लेकिन पीट ये सब डेबी को नहीं बताता, पर डेबी को उसके सीए से ये बात पता चल जाती है कि पीट का बिजनेस और लॉस में जा रहा है। अब पीट अभी भी अपने फादर को पैसे देता है, साथ ही उसने अपने घर की ईएमआई के साथ साथ में स्टोर का भी रेंट पे नहीं किया है। वहीं पीट स्टोर जाकर के रॉनी पर गुस्सा करता है। रॉनी बोलता है मुझसे जितना बना किया और तुम मुझे खड़े मुर्दों को ढोने का बोलते हो, और जब रिस्क लिया है तो झेलो, कुत्तों की तरह मत भागो। दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। वहीं डेबी डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन वो इस एज में माँ बनना नहीं चाहती थी। और अब उसे समझ नहीं आता कि वो ये बात पीट को कैसे बताए कि नेक्स्ट डे डेबी पीट को लेकर के सैडी के स्कूल जाती और उससे बातों बातों में पूछती है क्या तुमको इससे ज्यादा बच्चे चाहिए थे। जिस पर पीट बोलता है नेवर, एक बढ़िया, दो बहुत बढ़िया, लेकिन तीसरा करना बेवकूफी होगी। वही स्कूल में डेवी को जोसेफ नजर आता है जिसे उन्होंने सैडी की फेसबुक पेज पर देखा था। जोसेफ को वो बहुत डांटती है, जोसेफ रोने लगता है तो डेवी उसे सॉरी बोलती है कि उसका दिमाग ठिकाने नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज है, परेशान है। जिस पर जोसेफ बोलता है कोई नहीं, मम्मी प्रीमेनोपॉज से गुजर रही है, क्या आपको प्रीमेनोपॉज हुआ है। इस बात पर डेवी ये बोल करके चली जाती है कि अगले 20 साल तक उसे ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली और अभी वो प्रेग्नेंट है। रात को डेवी डेजी को लेकर के शॉप की चोरी के बारे में पूछताछ करने के लिए एक बार में पहुंचती है, जहां पर वो एक ग्रुप के साथ में काफी एंजॉय करती है। डेवी को एक बंदा अप्रोच करता है, वो उसे अपने साथ होटल चलकर इंटीमेट होने का बोलता है और उसकी बहुत तारीफें करता है। पर डेवी उसे सब बताती है कि वो मैरिड है, दो बच्चों की माँ है और तीसरा आने वाला है। वहीं पीट परेशान है, उसकी सेल लास्ट मंथ से भी हाफ हुई है। वहीं डेवी डेसी से मिसिंग पैसों के बारे में पूछती है तो डेसी बोलती है उसने पैसे नहीं लिए, वो एक प्रोफेशनल एस्कॉर्ट है जिसके लिए वो साल में 25 से 30 बार ये काम करती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा खासे अपार्टमेंट अफोर्ड करती है और ये गाड़ी, और बताती है कि वो डेफिनेटली जोड़ी नहीं चुराए है क्योंकि वो ड्रग्स लेती है। अब डेबी डेसी से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बातें करती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये बात पीट को कैसे बताए, जिस पर डेसी उसे एडवाइस देती है कि घर जाकर के सर को प्लेजर देते हुए बताइएगा, सर खुशी से उछल जाएंगे। अब घर पर डेबी पीट के पास में इसी इंटेंशन से आती है, अपने टॉप को ओपन करके हाफ नेकेड। पर पीट ऑलरेडी अपने बिजनेस को लॉस की वजह से डिस्टर्ब था, पर डेबी को लगता है कि पीट अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और उनका झगड़ा काफी हद तक बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं।
कमियां निकालने लगती हैं। दोनों आपस में बातें करना भी बंद कर देते हैं। नेक्स्ट डे पीट बच्चों को छोड़ने स्कूल जाता है, जहां कैथरीन जोसेफ की मदर उसे समझाती है कि बेबी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ये सुनकर के पीट को अच्छा नहीं लगता और अब वो कैथरीन को बहुत कुछ गलत गलत बोलने लगता है कि तुम्हारे बेटे को और तुमको खुजली है। कैथरीन पीट की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसकी ब्रेस को टच किया। वहीं डेबी जोटी को बोलती है कि उसने उसके पैसे क्यों चुराए। जोटी भी एक्सेप्ट करती है क्योंकि अभी भी वो नशे में थी। डेबी उसे जॉब से निकाल देती है। तभी उसे मैसेज आता है और वो बच्चों के स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर पीट, कैथरीन और जोसेफ ऑलरेडी मौजूद थे। खबर सिटी को जब ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके सोशल अकाउंट चेक करते हैं, तो वो उनको बहुत सुनाती है। नेक्स्ट डे पीट की बर्थडे पार्टी में सब लोग शामिल होते हैं, इवन दोनों के फादर भी आते हैं। अंत के समय पीट का फादर डेवी के फादर को बोलता है कि 7 साल से डेवी से वो क्यों नहीं मिला और उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं, अच्छा खासा पैसा है, तो वो उनकी मदद क्यों नहीं करता। ये सुनकर के डेवी को गुस्सा आता है और वो पीट के फादर को बोलती है, हमारी हेल्प ऐसे भी हो सकती है कि अगर आप अपने बेटे से पैसे मांगना बंद कर दें। उस दौरान पीट के फादर और डेवी के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट होता है और पीट भी डेवी के फादर को बहुत कुछ बोल देता है। इस पर डेवी को बहुत गुस्सा आता है और वो पीट और उसके फादर दोनों को बहुत बुरा भला सुनाती है। इस सबसे अपसेट होकर के डेवी साइड में जाकर के सिगरेट पीती है और सैडी उसे देख लेती है और उस दौरान बात पूरी फैमिली को पता चल जाती है कि वो सिगरेट पीती है। तो डेवी की दोस्त बोलती है, तुमको प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब ये बात भी सबको पता चल जाती है। पीट के पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा पीट को आता है। तभी डेवी के फादर उसे केयरफुल रहने का बोलते हैं क्योंकि वो 40 क्रॉस कर चुकी है। पर डेवी उन पर और ज्यादा गुस्सा करती है और पूछती है कि वो उसे छोड़ करके क्यों चले गए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उसकी आज लाइफ कुछ और होती। ओलिवर बोलता है, माना मेरे पास पैसे हैं, पर उसकी लाइफ भी खालीपन से भरी हुई है, जिसे ना जाने कितनी बार मैंने तुमसे पाटना चाहा। उसका बेटा 13 साल का है, जो कि चर्सी हो गया है, बीवी दवाइयों पर चल रही है, और इसलिए अपना खालीपन भरने के लिए मैं पीट की बर्थडे पार्टी में आया। उसी दौरान पीट भी गुस्से में साइकिल लेकर के वहाँ से निकल जाता है और बहुत ज्यादा रशली ड्राइव करता है। वहीं ओलिवर डेवी के बच्चों के साथ में खुश था। डेवी पीट के फादर को लेकर के पीट को ढूंढने निकलती है। वहीं पीट किसी कार के गेट से टकरा करके गिर जाता है। वो बंदा पीट को पंच मारता है। तभी डेवी और पीट के फादर वहाँ आ जाते हैं, वो उसे हॉस्पिटलाइज कराते हैं। वेटिंग एरिया में पीट के फादर और डेवी अपने पीट के किले शिकवे दूर करते हैं। पीट के फादर का कहना है कि तुम बहुत अच्छी हो, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बनी हुई है और चल रही है। अब डेवी पीट से मिलने अंदर जाती है और उसे सॉरी बोलती है, जिस पर पीट बोलता है उसे बहुत प्यार है उससे, अपने बच्चों से, आने वाले बच्चे से। उसे सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि उसने प्रेगनेंसी की बात उसे क्यों नहीं बताई, और बोलता है कि हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक कर लेंगे, बड़ा घर बेच करके हम छोटा घर ले लेंगे। इस जगह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और जल्द ही दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।